नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू लर्न एट होम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रीपोजिशंस। सो देर आर मेनी प्रीपोजिशंस, राइट? सो फ्रॉम देम वी बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस एट, इन, बाय। सो व्हाट इज प्रीपोजिशन? Preposition means a word which is preceding noun or pronoun to give a precise information about the action. Okay? For example, the man on the platform. So, which man? The man who is on the platform. Right? So, here on is preposition. Second example is, she came after dinner, right? When she came? After dinner. So, dinner हमारा यहाँ पे noun है और उसके पहले after आ रहा है. So, which is a preposition, okay? So, today we are going to learn about at. At का हिंदी में meaning है, may, per, या से. तो हम लोग आज देखेंगे कि एट हम लोग कब कब यूज करते हैं. तो एट यूज करने का रूल नंबर वन है, इन, नियर और इन द जनरल विसिनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. मतलब किसी विशेष स्थान के निकट या सामान्य क्षेत्र में. ओके? तो हम लोग जब अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. For example, example number one, Sachin was at mall. Sachin कहाँ पे है? At. Here at is the preposition. Mall is a place, right? So Sachin was at mall. Second example, at the corner of 9th street. 9th street is a place. And उसके corner पे, at the corner of 9th street. So at यहाँ पे works as a preposition. Third example, at Madhuri's house. मतलब place क्या है यहाँ पे? Madhuri's house. Or we were there at Madhuri's house. So at here is used as a preposition. Okay? Second rule for using at. So, at is used while indicating time. मतलब समय का संकेत देने के लिए भी हम लोग at use कर सकते हैं. For example, I wake up at 6 o'clock in the morning. So, यहाँ पे मुझे बताना है कि मैं 6 बजे उठी. तो 6 o'clock से पहले क्या आएगा? At. Okay? We have gone to the school at closing time, right? तो school जब बंद होने वाला था तब हम लोग school के यहाँ पे पहुँच गए, right? तो at यहाँ पे time के बारे में बता रहे हैं. Third example is at night. We had a party at yesterday night, right? So नाइट से पहले यहाँ पे एट आता है. थर्ड रूल जो है एट यूज करने के लिए वो है इन द डिरेक्शन ऑफ. मतलब किसी डिरेक्शन के बारे में हमें बताना है तो हम लोग एट यूज कर सकते हैं, राइट? तो डिरेक्शन यानी दिशा. तो किसी दिशा के बारे में अगर हमें बताना है तो हम लोग एट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, He threw the ball at me. मतलब उसने मेरी तरफ, direction is मेरी तरफ, right? Ball फेंका, right? So he threw the ball at me. Second example is he shouted at her. मतलब he का direction कौन सा है? At her. He shouted at her. Direction दिखा रहा है. उसने हम पे नहीं शाउट किया, ही शाउटेड एट हर. ओके? नेक्स्ट रूल इज
टू डिनोट अ प्राइस, ओके, एक मूल्य निरूपित करने के लिए भी एट का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी एप्पल वाले के यहाँ पे एप्पल लेने गए तो वो क्या बोलेगा, 3 apples at ₹15 each, मतलब 3 apples जो कि एक एप्पल की प्राइस है ₹15, 3 apples at ₹15 each. सेकेंड, द ऑफर वॉज एट ₹15 lakhs बिफोर निगोशिएशन, मतलब जो ऑफर हमें आई थी बिफोर निगोशिएशन वो थी एट ₹15 lakhs, मतलब प्राइस डिनोट करने से पहले हम लोग एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं. नेक्स्ट रूल है कि जब हम किसी एक्टिविटी में एक्यूपाइड रहते हैं वो बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल, द मैन एट वर्क, राइट, सो द मैन हु आर एट वर्क आर डूइंग एक्सेलेंट. सो यहाँ पे एट वर्क, वर्क इज एक्टिविटी, उसके पहले हम लोग एट यूज करते हैं. नेक्स्ट रूल, एट यूज हम लोग वहां पे करते हैं टू इंडिकेट अ पोजिशन ऑन अ स्केल और इन अ सीरीज, ओके. एक पैमाने पर या एक श्रृंखला में एक स्थिति का संकेत देता है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, सेल एट 90, मतलब 90 एक पोजिशन हो गई, राइट, तो जो भी हमारा सेल हुआ है वो एट 90 पे हुआ है. टाइगर फिनिश द राउंड एट 10th, 7 strokes बिहाइंड द लीडर्स, ओके. तो 10th एक पोजिशन हो गई, राइट, तो उसने 10th पोजिशन पे राउंड्स फिनिश किए. थर्ड एग्जाम्पल इज, आई एम ऑफरिंग इट जस्ट टू सिलेक्ट कस्टमर्स एट कॉस्ट. एट कॉस्ट मतलब जिस जो कॉस्ट है उस पर हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ओके. इसका नेक्स्ट यूज है, एट हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ या वजह से बताने के लिए हम लोग एट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू लाफ एट अ जोक, ओके, वी आर लाफिंग एट वॉट, एट अ जोक, मतलब जोक हुआ इसलिए हम लोग लाफ कर रहे, तो ये वजह बताने के लिए हम लोग एट यूज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज, मैड एट देयर कमेंट्स, मैड, ही इज गेटिंग मैड एट देयर कमेंट्स, राइट, सो ही इज गेटिंग मैड फॉर वॉट, एट देयर कमेंट्स, तो जो कमेंट वो लोग कर रहे हैं वो वजह हो गई जिसकी वजह से ही इज गेटिंग मैड. नेक्स्ट जो रूल है एट यूज करने के लिए वो है होल्डिंग अ गिवन स्पीड और रेट, ओके, किसी दिए गए गति या दर को पकड़ने के लिए हम लोग एट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3% अ ईयर. फॉर एग्जाम्पल, द इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3% अ ईयर, तो ये जो द रेट ऑफ 3% अ ईयर, दिस इज अ रेट, राइट, और वो बताने के लिए हम लोग यहाँ पे एट यूज कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, क्रूजिंग अलोंग एट 50 miles per hour, राइट, सो एट 50 miles per hour, आप लोगों को ये पता है माइल्स पर आवर यानी ये स्पीड है, तो स्पीड बताने के लिए हम लोग यहाँ पे एट यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट रूल है एट यूज करने के लिए, यूज फॉर स्किल्स इंक्लूडिंग इन एक्टिविटीज और एरियाज ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ और रिगार्डिंग, ओके, कौशल के लिए, कौशल दिखाने के लिए हम लोग एट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ट्विंस वेयर बोथ बैड एट केमिस्ट्री, मतलब जो ट्विंस है वो दोनों भी बैड एट व्हाट है, ये अभी स्किल हो गया, केमिस्ट्री इज अ स्किल और इट इज अ सब्जेक्ट, राइट, सो द ट्विंस वेयर बोथ बैड
at chemistry. Here हम लोग at use कर सकते हैं before chemistry. He slipped at markmanship over his extended vacation. He slipped at marksmanship. Marksmanship के पहले हम लोग यहाँ पे at use कर रहे हैं. Next uses. For example, he threw the ball to me. Right? So, यहाँ पे हम लोग किस सेंस में यूज कर रहे हैं यहाँ पे टू प्रीपोजिशन. सो आई कुड कैच इट. हैंस ही थ्रू ही एंड मी वेयर प्लेइंग एंड ही थ्रू द बॉल टू मी. राइट? सो दैट आई कुड कैच इट. बट ही थ्रू द बॉल एट मी. एट कब यूज करते हैं? व्हेन ही इज ट्राइंग टू हिट मी. ही वॉज नॉट प्लेइंग विथ मी. ही इज ट्राइंग टू हिट मी with that ball. At that time we use at. He threw the ball at me. वही अगर हमें ये बताना है कि he was just playing with me, at that, in that case we use he threw the ball to me so that I can catch it. Okay. Next is he talked to her. He talked to her मतलब दो person बात कर रहे हैं, एक लड़का लड़की. तो he talked to her, conversation कर रहे हैं. Right? But he shouted at her. तो यहाँ पे जब वो aggressively कुछ बोल रहा है उसको, तो हम लोग क्या बोलते हैं? He shouted at her. मतलब ये expression दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे at use करते हैं. Okay? I hope you guys understand what I am trying to explain in this video. If you like my video, please, please, please subscribe my channel and hit the bell icon and also share it with your friends. Thank you.